बच्चों को बड़ों को पड़ो पिज़ा मेरा ना आप देखते <laughs> <laughs> आपको पता है तीन मरतबा मैंने कपड़े चेंज किए मैं घर से निकली हूँ और भागते 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 गाड़ी तक सब कार पार्क में ना अपने गेट से कार पार्क तक गीली फिर भागी फिर उसके बाद फिर चेंज किया फिर गीली फिर भागी फिर उसके बाद तीसरी मरतबा क्या कि मेरे जो ड्राइवर साहब हैं वो गीले फिर उसके बाद मैंने उनको बोला आप जाए जाके चेंज करके आए फिर वो घी भैया अजीब तमाशा तो हुआ भाई उसके बाद हम गाड़ी ले निकले रोड पर इतना पानी 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 बारिश 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 तो विंड स्क्रीन का तो वो जो वाइपर है वो काम ही नहीं कर रहा था भाई वाइपर कहते हैं ना विंड स्क्रीन के आगे या घर में जो चलता है वो वाइपर होता है क्या होता है भाई तुम्हारे पास तो बाइक है तुम्हें क्या पता क्या वाइपर होता है क्या होता है तुम्हारी तो विंड स्क्रीन ही कोई नहीं है अपने चश्मों के आगे लगा लो वो बात अलग है मगर खैर इतना मसला होता है हाय हाय जितने भी लोग घर से गए हैं सारी जितनी बेगमात हैं बहनें हैं बच्चियाँ हैं वो सबको फ़ोन करना शुरू कर दे एक तो मैंने तुम लोग को वक्ता डाला वाई मैं खड़ी होती हूँ कैमरा मेरा मैं न्यू <laughs> मैं बैठती हूँ क्या मेरा मैं नहीं। तुम लोगों ने जितना मेरे साथ डांस करना है यहाँ पे कर लो ये तुम लोग याद रखोगे सारी ज़िंदगी ये देखें तार मेरा किधर लगा हुआ है ये देखें क्या क्या हाल है एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनी है नूर बेटा लाइव आ जाओ कोई बात नहीं टेप तो लगाओ मेरे पूरे बाल फंस गए आ जाए मेरी गुड़िया जल्दी नूर जो है ना इसके बगैर मैं नहीं चल सकती मेरा बहुत प्यारा बच्चा है शी इज सो हॉन हार एंड शी इज़ सो ऑनेस्ट विद द टीम लॉयल एनर्जेटिक बच्ची है ठीक है इधर भी लगा दो वरना मुझे अब ब्रेक का पता ही नहीं चलेगा अभी देखें कितनी तकलीफ दे रही है ये भी हटाओ नूर आई के पीछे ये पीछे घुमा के लेके जाओ तुम लोग यार जब मुझे आई एफ बी देते हो उसको पीछे करके घुमा के पूरे उसके रिंग में से नीचे तो उतारो यार हैं अपने घर में सामान तुम लोग से नीचे नहीं उतारा जाता वजन इतना है मरे देख के दिया करो भाई क्या हो जाता तुम्हें है ना मेरा भैया मुझे काम तो सही से दिया करो जुगाड़ ही देते हो तुम लोग मुझे देखो अब मैं ना इस तरह टेपों के थ्रू बैठती हूँ आज आपको ये भी पता चल गया जितनी भी मॉर्निंग शो की एंकरस हैं उनके साथ होता क्या है जुगाड़ ये जुगाड़ों में हम बैठे होते टे ब्रेक ही ले लेनी चाहिए इतनी बेहतरी इतनी बारिश है मैं ये कह रही थी कि जितने भी आपके लोग हैं फैमिली से घर से बाहर निकलें ठीक है सब एहतियात रखें और उनको फ़ोन करके पूछें तरीके से कि वो पहुंच गए और सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है बंदा भी घर से बाहर ही निकला बारिश हो रही है बाइक पे गया है गाड़ी पे गया हम उसी वक्त उनको फ़ोन करना शुरू कर देते नहीं जी बताएं कैसे हैं वो किधर बंदा गाड़ी रोके मेरे साथ ये भी हुआ है ना पीछे मुझे हज़ार फ़ोन आ रहे थे मेरे टीम के घर वालों के नहीं मेरे घर में है ही कोई नहीं हर तो सो रही थी बाकी ये टीम ने मुझे इतने फ़ोन किए मैं कह रही हूँ यार ये गड्डी चलनी है कि नहीं चलनी कभी मेरे वो ड्राइवर भाई को फ़ोन कभी मुझे फ़ोन भाई मैं लॉयल हूँ टीम के साथ मैंने आना ही था मगर आप प्लीज़ ये ख्याल रखा करें जब कोई फौरन घर से निकले उस वक्त नहीं टाइम सोचे देखें और उनको बोल देंगे जब आप पहुँचें अपनी लोकेशन पर तब आप फ़ोन कर लें फिर सिचुएशन सही रहती है एनी anyway, वे आज जुमा है या अल्लाह जो जो मेरे मेहमान हैं आज मेरे सेट पर लिया वरना मुझे पता है मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे शो करना है ये पूरा मलबा दो घंटे का वो सोचे मैं अकेले कैसे गुजारूंगी आपके साथ मुझे तो आपसे प्यार है आप बर्दा असलमैक दुबट्टा भी लेकर आओ जल्दी से एक ब्रेक लेंगे हमारे पास आ गए हमारे ज़बरदस्त मेहमान आप आ जाए जब तक के मैं भी सेट हो जाऊंगी मैं तो जूते भी नहीं पहने थे बड़ी मुश्किलों से और मैं दुआ कर रही थी आज कोई और भी मैं दुआ मांगती तो पूरी हो जाती मतलब मेरे मेहमान इतने खूबसूरत इतने अच्छे हैं कि मैं इनके लिए भी दुआ मांगूँ ये मेरी मेरे लिए दुआंगे दैट्स वोट इंपॉर्टेंट ठीक है आप भी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए हमारे मज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया हम ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक के बाद आपको बताते हैं तारुफ़ करवाते हैं आज वजीफ़े होंगे हमारे प्रोग्राम में जो जो लोग किसी भी किस्म के वज़ीफ़े पूछना चाहते हैं तो पूछिए आज बारिश पे भी वजीफ़ा लेंगे कि जब इस तरह से घर से निकलते हैं और बहुत तेज़ बारिश हो तो क्या हमें सूरतें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए टेक अ ब्रेक बहुत शुक्रिया वेलकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाजीन शुक्र अलहमदिल्ला कि अब हम सेट हैं और हम बस टाइम पे जो थे ऑन ईयर होना चाहते थे क्योंकि ये था कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं आपको इंतज़ार कराना सही नहीं है इंतज़ार तो किसी को भी कराना सही नहीं है तो बस बारिश है बारिश की जो मुसीबतें हैं तकलीफ़ें हैं मैं आपको बताऊं बारिश देख के तो बहुत खूबसूरती लगती है बड़ा मज़ा आता है बारिश में नहाने का दिल करता है मगर इस बारिश से कितनों के जो घर हैं वो तबाह भी हो जाते हैं कितनों की झोपड़ियाँ गिर जाती हैं कितनों की छतें गिर जाती हैं मैं तो बताऊं मैंने तो कितनी छतें आज नहीं मगर वैसे बहुत बारिशों में कितनी छतें उड़ती देखी हैं। आंधी तूफ़ानों में ऐसे छत लोगों के घरों की उड़ जाती होती हैं कितने लोग बिजली गिरने की वजह से परेशान हो जाते हैं कितने लोगों तो वैसी एक तकलीफ़ की बिजली गिर जाती है तो हम ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ये बारिश जो हो रही है ये खैर वफीत वाली बारिश हो बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ़ आते हैं जन्त के शर और जादू से बचने के लिए वजीफ़ा आज हम पूछेंगे जिसमें हमारे पास हफीज़ हफ़ी शफीकुरहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और हम हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं और प्रोफेसर हफीज़ुल बलोच इस्लामिक इस्कालर वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तरफावरी का और आज हम बात करेंगे कि जिन होता क्या है तो हाफिज शफीक शफीक्रमान जाहिद साहब सब सबसे पहले आप ये ज़रा बयान कर दीजिए कि जिन होता क्या है जिनकी हकीकत क्या है बसमिलरिम अल्लाह ताला ने तीन किस्म की मखलूक बनाई है जो जिसको अल्लाह ताला ने शुरू बख्शा है एक फ़रिश्ते हैं और दूसरे जन्त हैं तीसरे इंसान हैं रही बात यह है कि जिन क्या है और जिनका वजूद और जिन की क्या है क़ुर मजीद ने बाकायदा एक सूरत नादल की है जिसमें अल्लाह सूरत नादल की कुलूह ही या अली उसमा नाफ़र जिन जिसका नाम ही जिन है और इसी तरह कुरान मजीद के दूसरे मुक़ाम पे देखा जाए या माशा जिन् वलिनसी वमा ख़लतुलजन्ना वलिनसा ये सारी आयात बताती हैं कि जिन्नात एक मखलूक़ हैं और वो वजूदी मखलूक़ हैं अगरचे वो हमें नजर आती है या नहीं नज़र आती बाद लोग ऐसे हैं कि जो जन्ात का वैसे ही इनकार कर देते हैं कि जिन्नात की कोई हकीकत नहीं है असल ये है कि तख्लीक़ में फ़र्क हो सकता है जैसे फरिश्तों की तख्लीक की अलग उसकी शक्ल सूरत है और जिन्नात की तखलीक अलग है इंसानों की तखलीक मट्टी से है तो जिन्नात का वजूद भी है जिन्नात की हकीक़त भी है और जिन्नात शरीयत के पाबंद भी है, तो तो है।, है नाजिल हुई है हाँ और इस नाम से ही है और उसमें इस हाँ ऐसा कर देते मसल जो जन्ना और जान जो मादा है ना उसका मतलब होता है छुपी हुई चीज अच्छा अब एक मुफसरा है सर सैद के नाम पे भी और इस तरह की पूरी टीम है पूरा चैनल पैनल है जो इसका इनकार करता है कि जन का मतलब है छुपी हुई चीज लिहाजा शहरीों से देही इलाके वाले लोग वो छुपे होते हैं लिहाजा वो जिन हैं ठीक है अब किसी ने उनके ऊपर इतराज़ किया अगर यही बात है तो फिर ये भी आप कहें कि जो देही इलाके के लोग हैं उनकी नज़र से शहरी वाले इलाके वाले लोग छुपे होते हैं लिहाजा वो भी जिन है तो रहे फिर दोनों जिन जिन नहीं हुए और इंसान तो ना हुआ असल मसला ये है कि जन्नात की हकीकत है जन्ात का वजूद है जन्नात शरीयत के पाबंद हैं बाकी रहा मसला के जन्ात की शक्लें क्या होती हैं उनके खाने पीने क्या होते हैं उनका रहन सहन कैसा है उनके आगे निज़ाम ज़िंदगी क्या है ये पूरी शरीयत ने उसको डिस्कस किया है क़ुरान मजीद में बायदा वन ना मुन्ना मिनन सालू ना मुन्ना दू ना हम जन्नों में से कुछ नेक भी हैं और कुछ बद हैं गोया के नेक और बद होने का मतलब यह है कि वहाँ भी पूरी नेकी और बदी का तसवर चलता है वहाँ भी मसाले का हैं जिस तरह हमारे मसाले हनफी शाफी माल की हम्बली वगैरह इसी तरह उनके भी मसाले हैं, जिस तरह हमारे मजाहब हैं इसी तरह उनके भी मजाहब हैं जिस तरह हम मुसलमान हैं उनमें भी है। हैं फिर के भी है। फिर उनमें भी, भी है मुस्लिम होगा कोई इस तरह बिल्कुल ये तो कुरान मजिए कि मैंने याद पढ़ी ना वन्ना ना मिन्ना सालिना मिन्ना दुना दालिकन्ना तरई का क़ीदा था कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ नेक नहीं है और कुछ नेक हैं तो उनकी भी आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं जैसे हनफी शाफी माल की हम्बली है जाफरी है ये मकातब फ़िक्र उनमें भी है जैसे हमारा निदाम हयात है वैसे उनका निदाम है इसमें अच्छा। कोई दूसरी राय नहीं है अच्छा मैं हफीज साहब को भी शामिल करना चाहूंगी प्रोफेसर साहब प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि बलोच साहब मैं ये पूछना चाहूंगी कि मुझे बताएं कि ये जो उनके ऊपर दीन उतरा वो कैसे उतरा वो दीन में कैसे आए जिन्नात देखें बात यह है कि वो इंसान से पहले की मखलूक है और आदम वाम की जो वाक आता है वहाँ पर ये मौजूद है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने का इरादा फ़रमाया तो फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला को ये कहा कि या अल्लाह उनको तू ना पैदा कर पहले चूंकि तजर्बा हो चुका था अच्छा कि जिन्नात पैदा हो चुके थे और जिन्नात ने जिस तरह दुनिया में शर बपा किया और अच्छे और बुरे हर तरह के थे मिनल व वन्नास कुरान ने जिस तरह कहा कि इंसानों में भी शयातिन जिन्नात होते हैं और जन्नों के अंदर भी शयाती होते हैं यानी शरारती लोग होते हैं जी। अच्छा अब ये एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था तो इसकी बुनियाद पर फरिश्तों ने अल्लाह ताला को कहा कि या आ, उनको पैदा ना करें वो तो फसाद करेंगे और कत्लो गारत करेंगे दहशतगर्दी करेंगे क्योंकि पहले एक मखलूक पैदा हम करके आप देख चुके हैं तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलम व माला तालम जो मैं जानता हूँ वो तो तुम नहीं जानते अच्छा अब चूँकि नो डाउट के फ़रिश्तों की ऐसी मखलूक है कि जो ला यासुन अल्लाह रहा हूँ वो नेकी ही नेकी करते हैं अच्छाई अच्छाई है अल्लाह की तारीफात ही करते हैं बुराई का मादा ही नहीं उनके अंदर जी। जिन्नात के अंदर ये दोनों चीजें हैं अच्छाई भी है बुराई भी है अच्छा। अच्छे भी हैं भले भी हैं बुरे भी हैं वो शरारतें भी करते हैं अब इंसान जो है अल्लाह इसको क्राउन ऑफ क्रिएशन बना दिया कि इनके अंदर उनसे भी ज्यादा शूर अल्लाह ने रखा है बल्कि ये जिन्नात पर कमांड हासिल कर सकता है ये फरिश्तों से भी बेहतर है अगर अल्लाह की ताबदारी में इतहात में जो है वो वमा खलतनाबून जन्नात जो है बिल्कुल इनकी इंसान की तखलीक का मकसद क्या है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्हों को पैदा ही सिर्फ इसलिए किया कि वह अलाबुदून हमारी इबादत करें अच्छा इबादत सिर्फ यही नहीं है कि सईदे में आप पड़े रहें तो अल्लाह की इबादत होती अच्छा। है आप खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के नबी के तरीके के मुताबिक खाएं आपका खाना इबादत बन गया आप हाजत करें नबी के तरीके के मुताबिक जो बताया गया है करें वो भी इबादत आपका बन रहा है आप अपनी मर्जी की खुराक खा रहे हैं मगर नबी के तरीके से पानी पी लें तीन सांस लेके तो वो भी इबादत बन रहा है तो इंसान जो है इनसे ज्यादा अफजल हो गया इनसे आगे चला गया अच्छा अब रहेगी बात कि जो जो नबी आता था जो जो पैगंबर आता था वो शरीत लेकर आता था और उस दौर के जितने जिन्नात थे वो उनको मानने के मुकल्लफ होते थे ठीक है वो उसी शरीत के अंडर होते थे अब हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए जैसे शेख ने कुरान की आयत सूरह जिन की शुरू में पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फ़रमा रहे थे अच्छा एक रवायत में आता है कि आप नमाज पढ़ा रहे थे उसमें तिलावत हो रही थी वहाँ से नफर मिनल जिन्नी फ़काल इन्ना ना कुराना ना जबा यादिर फ आमन्नाबे वला नश्रे कबी ना आहदा वहाँ जिन्नात का एक गुजर रहा था और वो कुरान सुनने के लिए रुक गए जब कुरान सुनने के लिए रुक गए तो उन पर यह कुरान का ये असर हुआ कि वो ईमान पर ईमान लाने के बाद अपने कबीले में गए और कहने लगे कि इन्ना समय ना कुराना ना जाबा हमने अजीब वरीब किस्म का कुरान जो है अल्लाह का, का कलाम सुना है फ आमन्ना तो हम उस पर ईमान ले आए हैं वला नश्रे कभी रब अब हम किसी को अल्लाह की इस इबादत में शरीक नहीं करेंगे अच्छा अब वो चूंकि नबी सलाम के दौर में जो जिनात थे वो नबीलाम की शरीयत को मानने के मुक़ल्लफ़ थे और ता अब की के, के सबा ने कराची से कॉल की है क्या पूछना चाहती जी, जी मैम मेरा सवाल है कि जो वगैरह होते हैं क्या वो इंसान के वजूद में ठहरते हैं उसकी क्या हकीकत है और फिर अगर ऐसा है तो फिर इसका क्या इलाज है बहुत अच्छा सवाल है सबा मुझे पता है इस सवाल का जवाब हमें बिल्कुल दुरुस्त यहाँ पर जो है आप दोनों मेहमान जो है वो देंगे और क़ुरान और हदीस की रोशनी में आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल सबा हमारे साथ आइए जी देखें जिन्नात जब वजूद रखते हैं तो वजूद में हरकत तो सरकनात भी है उसमें जो ना वो एक दूसरे के साथ है, मिलाप भी है शादी खुशी गमी भी है और इंसानों के साथ भी उनका रहन सहन इसी के अंदर है तो बस अवकात ऐसी शक्ल हो जाती है कि वो इंसानों को तकलीफ़ देते हैं अब तकलीफ़ देने की मुख्त शक्लें हैं एक तो यह है कि आपको जिन्नात तकलीफ़ दे रहे हैं उसके पीछे इंसान का हाथ है और एक ये है कि जिन्नात आपको तकलीफ दे रहे हैं वो बराए रास्त आपको तकलीफ दे रहे हैं समझ नहीं मसल यह है कि जिन्नात के जरिए जादू किया जाता है और जादू के जरिए जिन्नात आपके ऊपर मुसलत किए जाते हैं जैसे किसी ने कि, जिनको काबू किया जिनको काबू किया हो अच्छा। और फिर वो आप उसके पास जाएं और वो किसी आदमी के ऊपर मुसलत कर दे जादू के जरिए अमलियात के जरिए अमलियात के जरिए जिन्नात का मुसलत होना और बात है और जिन्नात बजाते ख़ुद जो शरारत करते हैं वो और बात है और एक और चीज़ है कि आपने जिन को काबू करना चाह तो हुआ ये कि जिन तो आपसे काबू नहीं हुआ है। लेकिन जिन ने आपको काबू कर दिया है अच्छा। तो ये भी होता है जैसे कि लोग चिल्लाकशी करते हैं लोग अमलियात करते हैं लोग वज़ायफ करते हैं ये नेट और यूट्यूब पे जो चलने वाली जो वीडियो वायरल होती हैं कि ये पढ़ लो तो ये जिन काबू आ जाएगा ये पढ़ लो तो ये वजीफ़ा तो ये दरअसल जन्त को कैद करने के चालीस दिन इकतालीस दिन और इसी तरह सवा लाख इस तरह के वजीफे बताए जाते पत्थर हैं के ऊपर जमीन पे 44 का बॉक्स बनाते आप यकीन करें कि बाद लोग लो तो, तो हैं। ऐसे हैं दरियाए रावी में दो दो महीने खड़े होके चिल्ला करते हैं कि सिर्फ कोई ना कोई जिन काबू आ जाए अच्छा। और इसी तरह बाद लोग आग का चिल्ला करते हैं बाद लोग पानी का चिल्ला करते हैं बाद लोग हवा का चिल्ला करते हैं बाद लोग मट्टी का चिल्ला करते हैं यानी आपने पीछे देखा होगा कि टी वी चैनलों में भी ये चीज़ बड़ी चलती रही है कि बाद लोग चालीस दिन कबर के अंदर उतर गए हैं है है। सिर्फ़ है। इसलिए कि वो जिन्नात को अपना मौक़िल बनाना चाहते हैं अभी भी कबर में उतर गए अंदर चिल्ला कर हाँ तो ऐसे लोगों की नमाजों का क्या हाल है ऐसे लोगों के रोदों का ऐसे लोगों के हकूक का क्या हाल है अगर वो शादीशुदा है तो चालीस दिन वो इबादत ऐसी इबादत का कोई तसवर नहीं शरीत के अंदर रही बात यह कि अगर कोई बंदा इस तरह जिन ज़दा और जिन की मसहब से दो चार है तो उस आदमी को चाहिए कि वो मंजिल की आयात पढ़ लें अच्छा। और इसी तरह साथ, साथ भी कलीमत तमाम शरीम अखलक बिस्मिल्ल यादर मासमी शयनफिल्लाद वालाफ़ीस्मिलिम ये पढ़ने से अल्लाह के फ़लोक करम से जिन से भी इंसानों से भी शैतानों से भी और इस तरह की जितनी मखलूक हैं बदतरीन तमाम तो से अल्लाह तला महफूज कर अच्छा, ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो आप प्लीज़ इसको कम्प्लीट भी कीजिएगा कि जो शरारत है जिन जो शरारत करता है ख़ुद और उसमें नज़र आता है वो क्या वजूहत होती है ठीक है और दूसरी बात यह कि हम जिन को कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी घर में आ, किसी को जिन दिख जाता है किसी के रूप में किसी की शक्ल में या खुद अपनी शक्ल में तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये जिन है ठीक है जी एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर एक मैं वाक्य भी अपना ही शेयर करूँगी जो कि आप मुझे नहीं पता हर चीज़ उठा के वायरल पहले तो दुनिया कर देती है मगर मैं इसलिए रेलिवेंट ये वाक्य सुनाना चाहूँगी ताकि इससे कोई जवाब मिले एक ब्रेक के बाद मिलते हैं वेलकम बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विध फा और नाजीन आज हम जन्नात के शर और जन्नात के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनसे बचने के क्या वजीफे हैं आप कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में शा, शामिल होकर एक वाक्य शेयर करना चाह रही थी उसके बाद फिर मैं इस पर जवाब लूँगी क्योंकि रिसेंट वाक़ है और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है तो मुझे इसका जवाब वैसे भी जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे चाहिए और मैं चाहती हूँ आप तक भी ये जवाब पहुँचे मैं अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के गई थी मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स थे जिनके पास छोड़ के गई थी मेरा कोई इम्पोर्टेंट शो था मैं अपनी मेट के साथ बच्ची को वहाँ छोड़ गई और मैं अपना लाइव शो करा रही थी और पीछे ये हुआ कि उनके घर में जो उनके वालद थे उनकी अम्मी थी और जो और उनके घर में बड़े बुज़ुर्ग थे लड़के लड़कियां जो भाई बहन वगैरह उनके थे उन सबको मैं मेरे रूप में सलाम करती हुई दिखी उनसे बात करती हुई दिखी जाके उनकी बड़े दादा जो दादियाँ ऑल दैट जो घर में बुज़ुर्ग थे उन सबको जाके मैंने सलाम किया सब कुछ किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी मेट को बोला कि जाओ तुम जाके नीचे खाना खा लो मैं खेलती हूँ बच्ची के साथ जाओ तो मैं उसको संभालती हूँ तो मैं उनके ऊपर वाले पोर्शन में खेलना शुरू हो गई तो एक अलग से कपड़े मैंने पहने हुए थे तो इतफाक तो से उन लोगों ने पूछा कि फ़िज़ा अभी छोड़ के गई थी बच्ची तो अभी के अभी वो आ भी गई वापस तो मेड ने फ़ोन किया मेड ने फ़ोन किया तो पूछा कि बाजी आप कहाँ हैं तो यहाँ पर सबको शक पड़ रहा है कि ये जो है ना ये आप नहीं है तो फोन करके पूछा तो पता चला मैं तो मेरी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया कि मैं तो लाइव शो करा रही हूँ वीडियो कॉल पर भी दिखाया गया कि मैं लाइव करवा रही हूँ शो तो फिर सारे के सारे परेशान होकर जो ऊपर बच्ची के साथ बैठी है फिर वो कौन है तो इस तरह ये सिनेरियो था और उनको पता चल चुका था कि मैं लाइव शो पे हूँ मगर मेरी जैसी कोई खातून मेरी बच्ची के साथ भी खेल रही थी उधर घर में मिल भी रही थी सबसे सलाम दुआ भी कर रही थी और बात भी कर रही थी और ये काफ़ी देर तक सिनेरियो चलता रहा जब तक फिर यू you नो know, अब ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिचुएशन होती है जो ये हादसा जो मेरे साथ हुआ उन फैमिली के साथ हुआ जिन्नात शक्ल रूप इख्तियार करते हैं किसी का आते हैं क्या जी जिन्नात शक्ल चेंज कर सकते हैं तब्दील कर सकते हैं उसकी सूरतें है, हदीस में भी आता है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम अपने घर में कोई सांप वगैरह देखो तो सांप देखने के बाद आप मिन शैतान रजीम इस तरह दो तीन कलम पढ़ो तो मिन शैतान रजीम पढ़ने से एक या दो दफ़ा पढ़ने से वो अगर जिन्न हुआ अगर वो जिन्न हुआ तो वो अपनी असल हालत में फिर गायब हो जाएगा और अगर वो वाक्यतन सांप है तो फिर सांप होने के बाद उसे आप मार सकते हैं तो इससे पता चलता है कि जिन्नात सांपों की शक्लें बदल सकते हैं अच्छा। और वैसे भी जो जादू में हुआ वो जादू में भी यही जैसे मूसलात सलाम के ज़माने में सहारुआ यू नन्ना एक ये भी होता है कि बसाओकात जिन असली शक्ल में नहीं होता आपकी आंखों में तखयल कर दिया जाता है आपकी आँखों में ऐसा जादू कर दिया जाता है कि जिसमें आपको वो चीज़ दिखाई जाती है जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं अच्छा ये भी हो जाता है मतलब फिर वो इंसान का रूप में भी आ सकता है इंसान के रूप में भी आ जाते अच्छा। हैं जैसा कि सैना अबू हरारज़ील्ल्ला तैतान बाकायदा इंसानी रूप में आके चोरी करना शुरू हो गया तो रसूल कैनातल हाँ ये बायदा अच्छा। तीन मैं आपके सामने हदीसी कोड कर चुका हूँ तो रसूल कैनात सल्ह स जिस वक़्त तो वो मामला मसला पूछा तो आपने पूरी रहनमाई की उसके बाद आपने जिस वक्त उसको पकड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के लिए उसको घसीटा तो उसने कहा कि मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ कुर्सी का वजीफ़ा किस किसा मख्तर यह है कि शैतान जिन्नात इंसानी शक्ल में या सांप की शक्ल में या किसी और ऐसी शक्ल में अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं लेकिन उनके दायरा दायराकार है हर जिन इस तरह शक्ल नहीं तब्दील कर सकता यानी बस हो होता है पंद्रह सो साल के बाद दो हजार साल के बाद पच्चीस में बदलता है और दियो फिर आगे शक्ल बदल सकता है अच्छा समझ यानी शुरू में हर छोटा बच्चा बड़ा बच्चा इस तरह जीन ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं हो होता उनकी भी एक अल्लाह ने कुत और दायरा रखा है उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते मैं आपसे भी जानना चाहूंगी की जन्नात की शरारतें क्या क्या होती है किन शरारतों की वजह से मतलब वो पहचाने जाते हैं कि ये जिन्नात ने किया है देखें बिल्कुल जिन्नात जो है शरारतें करते हैं और वो कर सकते हैं जिस तरह शक्लें चेंज करके घरों में आ जाना किसी इंसान की <coughs> शक्ल में किसी जानवर की शक्ल में किसी सांप वगैरह की शक्ल में जैसे भाई ने बताया बिल्कुल ये शक्लें अल्लाह ने उनको इख्तियार करने का हर जिन को नहीं मखसूस जिन्नात ऐसा कर सकते हैं अब कैसे पता चले कि ये जिन है या ये जिन नहीं है एक तो तरीका वही बता दिया गया जिस तरह सांप वाला ये वाक्य सही हदीस में आता है दूसरा ये है कि आमल जो क्रौन व सुन्नत के सही आमल होते हैं इलाज भी हमें उन्हीं से करवाना चाहिए किसी अताई डॉक्टर के पास जिस तरह हम नहीं जाते, इसी तरह कुरुन सुन्नत के आमल के बग़ैर जो आमिल बने हुए हैं दर हकीकत व जादू के ज़रिए इलाज करते हैं उनके पास जाना मना है नहीं जाना चाहिए के अपने तजर्बात हैं आया मुहदसिन के अपने तजर्बा हैं इस फील्ड के माहरी के अपने तजर्ब हैं वो इन चीज़ों को इनकी शरारतों को इन अपने तजर्बा क्योंकि जब वो ज़िक्र अल्लाह का करते हैं अमल करते हैं पढ़ते हैं तो फिर वो सामने जब आ जाते हैं सम टाइम वो हाज़िर हो जाते हैं इंसान के अंदर ही हाज़िर होते हैं इन जो इंसान बोल रहा होता है उसके पीछे जिन होता है अब वो बताता है कि वो कैसे कैसे शरारतें करते हैं मैं अपने घर का आपको वाक्य बताता हूँ चंद दिन पहले की बात है मैं घर से निकला तो हमारे एक कमरे का दरवाज़ा जो है वो खोलने के लिए अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाजा नहीं खुल रहा मुसलसल जोर लगाए कोई कुंडी नहीं लगी हुई कोई अंदर नहीं है सब घर के अफराद बाहर हैं मुझे उन्होंने फोन किया कि ये बात है मैंने कहा आप टेंशन ना लें अभी इनशाला खुल जाएगा आ, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें ये खुल जाएगा जो ही बिस्मिल्लाह पढ़ी दरवाजा खुल गया अच्छा अच्छा अब इन्होंने बड़ा बड़ी जी जी अच्छा अब मुझे इन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ मैंने कहा कि ये जिन्नात हैं शरारत करते हैं मेरा अपना आंखों देखा वाक्य है कि हमारा जरियी जो रकबा है मेरे ताया जी वहाँ सोए हुए थे तो हम छोटे छोटे तो मैंने उनको कहा कि ताया जी उठे नमाजों का टाइम हो गया असर का तो वो उठे तो नीचे जूता नहीं था तो उन्होंने उनको मतलब डांटते हुए कहा कि मेरा जूता लाओ मैंने नमाज पढ़नी लेट हो तो रही और हमारे सामने जूता आ गया ये मेरा अपना आंखों देखा वाक़ है क्योंकि जिन्नात जो है शरारतें करते हैं और ये जो शरारतें होती है ना ये दोस्ताना अंदाज में होती हैं क्योंकि जिन्नात में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं शरीर भी हैं हर वक्त इंसान के साथ जिन्नात है आ, ये। आ, ये जो ब, बचा कैसे आप देखें ना मैं तो, आ, तो क्योंकि डर गई जब मेरे रूप में आई जो जिन्नात जो भी मेरे रूप में आए वो तो मेरी बच्ची के साथ खेल कूद के गई है इससे डरने की खिलावत तो, भी करके गई है मैं समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है आप देखें अल्लाह नुकसान उस... नहीं पहुँचाते मतलब नुकसान देखिए नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात भी हैं और आपका हिफाजत करने वाले भी जिन्नात अल्लाह ने रखे हैं ऐसा नहीं है जिस अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं इस तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात हैं उसके लिए मुज़तन आई हैं आखिरी जो दोनों कुल हैं आयतल कुर्सी है और वो आप पढ़ें सुबह शाम पढ़ें नमाजों के बाद पढ़ें और आप जितना दीन के साथ रिलेट हो जाएंगे एक बात भाई ने बड़ी अच्छी कही मगर उस पर पूरा प्रेस नहीं मेरा ख्याल में किया गया कि देखिए दो तरह के जादू होता है एक यह है कि किसी आमल ने जादू के जरिए किसी जिन के वो खुद ताबे है और उसको कहता है कि मेरा यह काम करो क्या कि फलां बंदे को तकलीफ नुकसान पहुंचाओ ये किसी ने उसके ऊपर जो है इस जिन्नात को लगा दिया है ये ज्यादा भारी और मुश्किल होता है एक है कि जिन्नात खुद किसी पर असरंदाज हो जाते हैं उसकी बदमरी की वजह से बद किरदारी की वजह से जिस तरह इंसान का अम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है सेम लाइक इंसान का ईमा ईमानी अम्यून सिस्टम होता है जब वो नमाज से पीछे हड़ता है कुरान से पीछे हटता है अधीन से पीछे हटता है और बुरे अमाल करता है तो उसका अपना ईमानी अम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब उसका ईमानी अम्यून सिस्टम वीक होता है तो हदीस में आता है जिस तरह इंसान की रगों में खून चलता है इसी तरह वहाँ पर जन्ात जो है वह उसी तरह उसके अंदर चलते हैं असर करते हैं और फिर वह किसी जिसम के उस हिस्से में वहाँ जाकर बैठ जाते हैं जहाँ उसको सिस्टम को डिसऑर्डर करते हैं लिहाजा वो आमिलीन के जो सही कुरान और सुन्नत के आमिल हैं उनके पास जाकर इलाज करवाना चाहिए और वो कुरान की आयत के साथ ही इलाज करते हैं शरीयत के मुताबिक इलाज करते हैं और नबी असलात अस््लाम पर इन मैन का उतरना आयतल का आना और इनकी शान नजूल बताया गया है ये बेहतरीन सादा इलाज है मैं समझता हूँ कि बजाय ऐसे लोगों के पास जाएँ जो खुद जादूगर हैं और जादू के जरिए अच्छा उसकी भी फिर पहचान है अच्छा एक कॉल भी मैं लेना चाहूँगी शामिल करूँगी इस्लाम से कॉल है ज़ाहद साहब की जाहिद साहब जी वाल जी जाहद साहब क्या पूछना चाहेंगे मोजिज़ मेहमान हमारे साथीफ़ फर्मा है जी जी मुझे ये पूछना है कि ये जो सेक्टर्स बनते हैं नए जैसे गुणजानबादी में वो पहले से वो ऐसी बात नहीं होती और उसकी जगह वो सेक्टर हैं बन तो सकते तो क्या वहाँ पे असरात होते हैं मकान बनाते हैं काफी हो हो है। जी आपको जवाब मिलता है अभी जी पहली बात तो ये है कि जहाँ भी वहराना होता है या जहाँ इंसान नहीं होते वहाँ शैतान या जिन्नात अपना पसरा कर लेते हैं अपना मस्कन घर बना लेते हैं कन्फर्म बात है और तकरीबन अक्सर घरों में इनके रहन सहन की कुछ जगहें होती हैं लेकिन सादा सिंपल जवाब यह है कि जहाँ भी घर बनाओ वहाँ सबसे पहले दो रकत नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्राना शुक्राना के तौर पे दो रक रकत नमाज पढ़ो फिर उसके बाद आप इसी तरह जिस तरह इंसानों से मुखातब हो इसी तरह जिन्नात से मुखातब हो के ये दो चार जुमले कहने हैं कि यहाँ अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है हम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं आप भी अल्लाह की मखलूक हैं अगर तो तुम मुसलमान हो तो बहुत अच्छा अगर गैर मुस्लिम हो तो फिर भी मेरी बात तो से सुन के कि हम यहाँ घर बनाने लगे हैं ये हमारी मिलकियत है बराए करम आप आठ दिन के बाद चार दिन के बाद किसी और जगह वसीरा कर लें ताकि हम आपको और आप हमें तकलीफ ना दें। क्या बात है जी? जिस वक्त आप इस अखलाकी निज़ाम से गुजरते हैं तो दुनिया का कोई भी शतान है वो आपको तकलीफ उस तरह नहीं देता क्या बात है जबरदस्त तो, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है और ये मैं पता है जहाँ पे कोई बस वसाए डर या कोई ऐसी जगह जैसे में मानसरा वगैरह शूट वगैरह के लिए जाती हूँ जंगली जंगल ही जंगल पहाड़ी पहाड़ घास ही घास विलाना ही विलाना तो हम कभी शाम हो जाती है शूट कर रहे होती है वो पहाड़ों पे शूट कर करे जंगलात पर शूट करते तो हैं हमें इसी तरह का बोलती हूँ कि आप जिसकी भी उम्मत से हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना आप हमें नज़र आए ना हमें तंग करें ना हमें कोई तकलीफ दीजिएगा आप जिसकी भी उम्मत से हैं बस आप भी खुश रहें इसी जगह हमें भी अपना काम करना दें आई ऑलवेज से दिस एनी एक कॉल लेते हैं इसी में एक और बात कि बसओका था ना ये घर बनाना बसओकात एक कमरा खाली है आपका दो महीने कमरा खाली रहा है पंद्रह दिन कमरा खाली रहा है हो सकता है साल कमरा खाली रहा है आपका घर था लेकिन आप उस कमरे में भी जाते वक्त ये दुआया कलमात और इस तरह के कलमात कहेंगे या छत पे आपने घर अपना बनाना है तो वहाँ भी छत में भी उनका रहन सहन और बसेरा होता है तो आप अपने घरों में भी इस तरह यही अमल करेंगे तो अपने घरों में भी महफूद हैं बाहर में भी महफूज क्या है। बात है जी एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद कॉल शामिल करेंगे जाहिद साहब आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा मगर ये बात सारी आप लोगों के लिए हो रही है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ब्रेक के बाद आपका सवाल पूछेंगे ठीक है ब्रेक वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं आज जन्नात के ऊपर और आ, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी हाफिज़ साहब प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे इस्बा हैं जहाँ जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं और कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं जिन्नात के नुकसान में से और जिन्नात के चिमटने में से कई एक हो सकते हैं एक तो सबब यह है कि जो ए, बहुत आम है कि आप जिन को काबू करने के लिए चिल्ला कर रहे हैं जिन आपसे काबू नहीं हुआ आया लेकिन यह है कि जिन ने आपको काबू कर लिया मसना ऐत करीमा है सवा लाख एत करीमा पढ़ने का कोई शरीयत में कन्सेप्ट नहीं है व़ायफ को कब्रिस्तान में पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है और इसी तरह दरिया रावी में जाके पढ़ने का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है तो लिहाजा ये पहली बात कि वायफ़ भी गैर शरी और तरीक़ा भी गैर शरी <coughs> इन दोनों में शैतान चिमट जाता है और फिर इसी तरह मैं भी आपको सवाल हाँ। भी इसके साथ पूछना चाहूँगी कि अगर अब वजायफ जिसमें अल्लाह के ही कलाम है उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें भी नुकसान है उसमें भी नुकसान हो जाता है देखें खालिक को पढ़ो खालिद के सिलेबस से और ख़ालिद को समझो ख़ालिद के सिलेबस से जिस वक़्त उसके तरीक़े के मुताबिक आप पढ़ोगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा बसूरत दीगर कई एक मिसालें जो यहाँ कोड की जा सकती लेकिन उसका वक्त नहीं है कि आप नमाज अपने तरीक़े के मुताबिक पढ़ेंगे तो नहीं कबूल हाँ, इसी तरह जो है ना बुध अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल क़ुरबानी अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल तो इसी तरह हर चीज़ का जो वजीफ़ा है वजीफे को भी उसी तरह करना चाहिए तो पहला सबब तो यह है कि आप जिन्नात को जिला कशी की शक्ल में हर वो बंदा जो वज़ाय वीडियो आडियो और इसी तरह मीडिया सोशल मीडिया से ले रहा है और उसका कोई ख़ास है कि ये चालीस दफ़ा पढ़ो साठ दफ़ा पढ़ो साठ दिन पढ़ो दो महीने पढ़ो समझ लो कि ये आपको इसी तसवर में ले कर आना चाह रहा है उससे होता यह है कि या जब बार, या जब्बार या कहार ये सवाल लाख दफ़ा या इस तरह पढ़ने से जन्ात आपको कंट्रोल में कर लेते हैं अच्छा। तकलीफ़ आपकी पहले से बढ़ जाती है दूसरी वजह यह है कि आपने कूड़ा करकेट ऐसी जगह फेंक दिया जो कूड़ा करकेट की असल जगह नहीं है मसलन आप पर घर की कूड़ा करकट है ऐसी जगह फेंक दिया दरख्त के नीचे फेंक देते हैं मोस्टली लोग अपने घर की दीवार के पीछे फेंक देते हैं। दीवार के पीछे फेंक देते हैं तो वहाँ हो सकता है कि जन््त का मस्कन हो जिन्नात की रहायश हो जिस वक्त आप उनको तकलीफ़ देते हैं तो फिर आप नतीजे के तौर पर आप परेशान होते हैं ये भी दूसर, ये दूसरा सब है जिसकी वजह से जो ना वो जिन उड़ भी सकते हैं जिन उड़ते इतनी हैं बड़ी कायना जिन, है। जिन उड़ सकते हैं लेकिन ये कि हर जिन उड़ने की में भी तो रहते होंगे जिन्नात में भी पैदल चलने वाले भी हैं उड़ने वाले भी हैं में कुछ दोनों में। भी चलने वाले नहीं खला वाली बात नहीं है रहते इसी तरह जमीन लेकिन जिन्नात की वो तीन शक्लें हैं एक पैदल चलने वाले हैं एक हवा में उड़ने वाले एक वो वाक्य नहीं था कि जो जिन्नात जो थे फरिश्ते सितारा मांगते हैं खबर लेने से जाते हैं नहीं नहीं वो ऊपर उड़ने वाले तो हैं ना हाँ। वो शैतानों की फिर आगे शक्लें हैं मुख्तलि अच्छा। बड़े शैतान है छोटे शैतान है वो ऊपर जाते हैं लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ हवाओं में रहते हैं ये इस तरह तो तीनों अच्छा, दुनिया में ही रखा हुआ है क्योंकि ऊपर जाके फिर आते तो फिर भी उन्हीं शैतानों इंसानों की तरफ है ना जिनको ललका करते हैं हमारे इतना सांस भी लेते हैं खाते भी है भी लगती है पूरी जिंदगी है उनकी खाने पीने की जिंदगी और ये बात सही है क्या अल्लाह ताला ने जैसे ऊपर से कोई सुई गिराए तो अल्लाह ताला ने जिन इतने बनाए इतने जिन्नात बनाए कि वो सुई आसमान से जमीन में गिरेगी इंसान से ज्यादा क्या तादाद जिनों ने, की ने, है नहीं नहीं ये नहीं है मसला सुई वाली नहीं है असल बारिश के यही बारिश हुई है ना बारिश के हर कतरे को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहमत बनाना है अब शैतान क्या करते हैं कि शैतान हर कतरे के साथ जुड़ के इंसानों के लिए जहमत बनाने की अच्छा कोशिश करते, करते ब्रेक हैं। एक ब्रेक की न्यूज़ ब्रेक की बहुत अर्जेंट ब्रेक है वो लेनी पड़ेगी वो मैं सवाल आपको पहले दे, दे देती हूँ मुझे ये बता दीजिएगा कि जैसे कहते हैं ना कि वीरानी जगहों पर खाली जगहों पर जन्नात का बसेरा आ जाता है तो चाइना में तो इतनी ज़्यादा आबादी है इतनी ज़्यादा आबादी क्या वहाँ पर जिन्न नहीं है ठीक है तो ये सवाल है मेरा और आप लोगों ने इसका जवाब देना एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाजीन ब्रेक से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे जन्नात के ऊपर ही क्योंकि आज हमारा टॉपिक है तो जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उसी भी बात करें कि हम जन््त के शर से कैसे बच सकते हैं उसके बज़ायब भी हम पूछ रहे हैं बिल्कि तो मैंने एक सवाल पूछा था अभी दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि कहते हैं कि जो वीरानी जगह होती है खाली प्लाट्स होते हैं जहाँ पर पहले घर वगैरह नहीं होते कुछ नहीं बने होते वहाँ पर जन्नात अपना जो है बसेरा बना लेते हैं वहाँ पर जन्नात बहुत होते हैं तो जैसे चाइना में इतनी आबादी है इतने लोग हैं इतने फ़र्द है तो क्या वहाँ पर जिन्नात नहीं होते मेरा सवाल है प्लीज़ जवाब दीजिएगा आप दोनों देखिए बात यह है कि वो ऐसी मखलूक है कि जिसने कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनानी कि जहाँ पर बाकायदा एक मौका महल होगा वहाँ पर प्लाटिंग होगी वहाँ रह रहे होंगे पता होगा कि ये जिन्नात का इलाका है उनका मुल्क है जब उन्होंने रहना ही वीरानों में है चाइना वैसे भी तो थो थोड़ा बड़ा मुल्क है इसके लिए वो वीरानों में भी रहते हैं आबादियों में भी रहते हैं घरों में भी रहते हैं हर जगह पर रहते हैं इस वक्त भी हमारे साथ हैं हदीस में आता है नबी सलाम ने फरमाया कि मेरे जो हमजाद हैं जो मेरे साथ हैं फ़रमाया कि वो अल्लाह ने उनको मेरे ताबे कर दिया है और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो इंसान को शर की दावत का देता है तो वो जो शर की दावत दे रहा है वो कौन है वो हमजाद है जो शैतानों में से है और वो इंसान को उस तरफ जो है वो तरगीब देता है राइट right साइड वाला जो है वो नेकी के अमाल लिखता है और वो खैर की बात करता है इंसान को अब आपने सुना होगा कभी बंदा कहता है यार ये करूँ ये ना करूँ एक दिल कहता है ये करूँ एक दिल कहता है ये ना करूँ हालांकि दिल एक ही होता है माँ जहाल्लाजुल्न कलब कलबैन फ़ी जौफ़ी अल्लाह ताली ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे दिल एक ही है अब जो राय चेंज होती बार बार तो यही राय हमजाद इंसान के इधर और उधर करते हैं इसलिए उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है वो आबादियों में भी रह रहे हैं आपके घरों में आपके कमरों में रहते हैं अच्छा अब हदीस में ये भी आता है कि जब इंसान अपने घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलता है तो फरमाया कि अगर वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है तो उनका असर ख़त्म हो जाता है इंसान जब खाना खाने लगता है तो उसके साथ जिन्नात भी खाते हैं अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए तो जन््त वहाँ से निकल जाते हैं वो क्या खाते हैं जब इंसान खाना छोड़ देता है हम जैसे हमारे यहाँ एक स्टाइल बन गया है कि हम खाना जाया करते हैं बोतल पी तो उसमें कुछ छोड़ दिया पानी है तो वो कुछ छोड़ दिया वो हमारा बचा खुचा वो खाते हैं इसलिए में आता है बर्तन को अच्छी तरह साफ करो अब जिस बर्तन को मैंने छुआ है और खा ब... ये <laughs> बिल्कुल सही मसले की बात है अच्छी बात है अच्छा अगली बात ये है की जब खाना आपका बचा हुआ वापस किचन में जाता है जिस तरह शेख ने कुछ चीज़ें बताई ना उनमें एक ये भी है जब खाना बचा हुआ वापस जाता है किचन में वो हम ज़ाया कर देते हैं वेस्ट करते हैं वो बचा हुआ जब जिन्नात खाते हैं तो आपके जिसम का डी एन ए आलरेडी वहाँ जा चुका है और वो लिंक हो जाएगा जिन्नात के साथ इसी तरह खवतिन के जो मसायल अक्सर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं जब वो अपने बाल बनाती हैं और वो बाल जो है बाहर ज़ाया कर देती हैं ठीक है कंगी में जो बाल आते हैं हाय है। हाय इसमें तो मैंने एक सवाल पूरा करना है मगर आप पहले अपना जवाब कंप्लीट करें बड़े अच्छा आपने सवाल किया मैं आपको बताऊं मगर मैं अगर कहते हैं इजाजत तो बीच में सवाल कर लूँ करें करें मेरे घर में जितने भी मुलाजमी आए हैं ठीक है जो भी मेरा स्टाफ आया उनमें जो लड़कियाँ बच्चियाँ होती हैं ना ज़ाहिर सी बात है उनके बाल भी लंबे घने होते हैं ज़्यादा हम लोग तो फैशन में कटवा लेते हैं खूबसूरत भी हमसे ज़्यादा होती हैं जो सच बात है अब क्या करती है कि वो थैली में ना अपने बाल जमा करती हैं और जमा करके वो या फिर किसी ज़मीन के अंदर दफन करती हैं या पता नहीं क्या करती हैं वो मुझे कहती तो यही है कि बाजी आप अपनी बाल जो है कंगे में जो होते हैं वो आप फेंक देती हैं नालियों के नज़र कर देती हैं डस्टबिन के नज़र करते हैं इस तरह नहीं होता ये बाल जमा कीजिए थैली में और उसके बाद किसी ज़मीन में खोद के इनको दफनाना होता है तो इसमें क्या अमित है भाई ये सही है गलत है क्या चक्कर है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अमल है वो बिल्कुल ठीक करती हैं जब हम उन बालों को इसी तरह जो है गार्बेज में डाल देते हैं या ये कपड़े पुराने जो है यूज जो होते हैं वो बार गार्बेज में ऐसे डाल देते हैं उस जिस्म के अंदर इंसान का असर जा चुका होता है खुद हदीस में आता है कि लुबैत बिन असम यहूदी ने रसोल्लाम पर जो जादू किया वह भी बालों के जरिए किया कंगी के जरिए बाल जो नबी वसम के उसमें कुछ आ गए वो उसने हासिल किए और उनके ऊपर वो जादू किया अच्छा इसी तरह ख़्वाीन के हवाले से मैं स्पेशल आपको ये अर्ज कर दूँ बायदा बाज नकमा आमिलीन ने अपने तजर्बात से बताया कि जब जिन्नात की हाजिरी होती है तो उनसे पूछा गया कि आप इस के अंदर ख़ातून के अंदर कैसे दाखिल हुए वो कहते हैं कि जब औरतें आ, लिपस्टिक लग, लगाती हैं इस तरह के मेकअप करती हैं उनकी खुशबू दूसरों तक जाती है तो इससे भी उनके असरात जो है वह जन्नात की जल्दी असर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बिलखसूस ये चूँकि अमराज ख़वान के अंदर ज़्यादा आती हैं

और ये बाल वाली बात भी कीजिएगा बालों में भी इसी तरह होता है बाल में होता है नाखनों में होता तो हमें है हमें मतलब जमीन के अंदर उसको दफनाना चाहिए दफना देना चाहिए या वैसे किसी जगह छुपा देना चाहिए छुपाना मतलब हाँ, यानी या, किसी ऐसी जगह रख देखी के हाथ ना लगे हाथ ना लगे ये नाखून आमतौर पर होता है ये हाँ नाखून आपके पकड़ लिए जाते हैं बसावकात आपके बालों को लिया जाता है बसाओकात आपके कपड़ों को लिया जाता है और बसा औकात ये बात भी हम कहने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है कितने रिश्ते कितने कपड़े ऐसे जो मिलता है हम कहते हैं जो पहना होता है हम कहते हैं बेटा ये आपका गिफ्ट है ये आप उनको दे दीजिएगा आप ले लीजिए हम तो फिर ये भी कर देते तो इसका क्या तरीका है देने का लाजमी नहीं, नहीं कि हर जगह ही कोई कर रहा हो लेकिन जिस आदमी को पता हो कि मेरे कुछ हासिदीन है कुछ मेरे साथ शरारतें चल रही हैं कुछ मेरे ऐसे मसैल हैं कि जो मसैल उस आदमी को तो चाहिए उस औरत को चाहिए कि लाजमी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखे बाल हो गया नाखून हो, हो गया कपड़े कपड़े हो गए इसी तरह एक चौथी और चीज़ है कि जिस जो ना वो ख़तून को कुछ ऐसे अजवाजी मसाइल का वो किरदार का इस तरह के मसाइल का शिकार हो चुकी है कि उसके घर के मसाइल शुरू हो गए तो उसको चाहिए कि वो उन आयाम की किसी को खबर ना दें जिन दिनों में नमाजनी पड़नी है और खसूस वो चीज़ें जो ज़ाया कर वाली होती हैं उसको भी पकड़ के जैसे होता है ना कि पैम्पर पैड वगैरह या बाकी चीज़ें हैं तो ये चीज़ भी अगाही वाली है कि उन चीज़ों के ऊपर जादूगर इतना जादू करते हैं कि जिसकी वजह से ख़ुत की नमाज़ की तरतीब भी ख़राब हो जाती है बसों का यह भी होता है कि उनके मियाँ बीवी के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं बसों का ये होता है कि उनको ऐसी ऐसी जगह पर तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं कि जिसको ना वो डिस्कस कर सकती हैं ना वो हल कर सकती हैं मसाइल इसी तरह चलते रहते हैं ये मसल तो आम हैं ख़ात के साथ मसइल आम हैं और चलते रहते हैं रही बात यह है कि जब भी कोई भी चीज़ हो मसल मेकअप करना है या इसी तरह आपने सुरखी पाउडर वगैरह वाला जितना भी ये चीज़ें शरीयत के अंदर रहते रहते बंदा कर सकता है साथ दुआओं का अहमाम करें मसल आपने जिस वक़्त कपड़े पहनने हैं तो आप कपड़े पहनने की दुआ पढ़ लें अलहमदिल्लादी कसानी हादा वरदा कनी मिन गैरी होली मन्नी वाला कुआ ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला आपको कपड़ों की वजह से जो शरीरों का शर है हासदों का हसद है शतानों की श्यातनत है जादूगरों का जादू है अल्लाह आपके कपड़ों की वजह से माफूल कर देगा खाना खाते वक्त आप दुआ पढ़ लें बिसमिल्लि पढ़ ले और इसी तरह साथ आखिर में दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला खाने की वजह से आपको महफूज कर देगा और फिर यह है कि घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लें बिसमिल्ला ही तबक्कल तो अल्लाह इल्ला हाउला यकीन करें इस दुआ की बरकत से खुद शैतान एक दूसरे को मुखातब कह रहे होते हैं। नहीं वो तो गाड़ी की दुआ है ना लेकिन बिस्मिल्ला तबक्कल तो अल्लाह घर से निकल वला वला कुव्वत इल्ला बलाक कोई मर्द और कोई औरत और कोई बच्ची बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपनी फील्ड में जा रहा हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा हो वो इस दुआ का अहमाम किए बगैर निकले ऐसे है जैसे वो अपनी सिक्योरिटी को खत्म करके एक लाइन में जैसे आपने कहा ना कि हम जूते कपड़े वगैरह किसी को तोहफा दे देते हैं बिल्कुल देने चाहिए बेहतरीन हाल यह के वो कपड़े धोकर उनको दें ताकि आपके जिस्म के उससे खत्म अच्छा, हो हो जाएं। फिर ठीक आपको दे दे आप दे आप अच्छा, वजीफा, वजीफा नहीं है इज्तमी सारी चीजें उसमें आ जाएंगी सुबह फजर के बाद बंदाबादी सौ मरतबा दिन में अगर ये बंदा पढ़ लेता है तो अगले दिन सुबह तक उसके जिन तो क्या, जिन कोई बाप भी करीब कर सौ मरतबा डेली एहतमाम के साथ जो बंदा पढ़ लेता है जिन जादू अफरीत कोई भी देव उसका कोई चीज करीब नहीं आती अल्लाह तक उसकी रिश्ते हिफाजत मुकर वालेकुम अज़हर तो साहब क्या हाल बात है? बात कर रहा हूँ, इला से जी जी बात कीजिएगा साहब से मेरा सवाल है कि ये जो काले जादू करते हैं इसके असरा खत्म करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए या क्या तरीका कार है जी हाफिज साहब देखें जादू किसी किस्म का भी हो सबसे पहले यह है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए दूसरा यह है कि अल्लाह पे तवक्ल इतना होना चाहिए कि दुनिया आपको सीधी आग लगाने के लिए आ जाए जहर पिलाने के लिए आ जाए मारने के लिए आ जाए तो आपको ये यकीन हो कि जब तक मेरा अल्लाह मुझे नहीं मारेगा उस वक़्त दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती ला, ला। ये पहला जादू के तोड़ने का तरीका है फिर उसके बाद अगर ईमान भी है तवक्ल भी है अल्लाह पे अतमाद भी है और सारी चीज़ें हैं फिर उसके बाद दूसरा काम ये करें कि मंजिल की आयात सुरत फाते आतुल कुर्सी चारे कुल ये ले लें पानी पे दम करके पानी पे दम करने का तरीका बताया पानी के ऊपर बोतल पे हाथ रख ले और इसी तरह सुबह माँ या बाप उन में से एक आदमी इस तरह दम कर दे दम करने के बाद वो पानी की 16 लीटर 5 लीटर की बोतल उसी से बच्चों को खाना खिलाए उसी से बच्चों के कपड़ों के ऊपर छिड़काव कर दे उसी दम वाले पानी को घरों में चारों कोनों पर छिड़काव कर दे उसी पानी से बच्चों को गुसल करा दे दुनिया की कोई नजर बद दुनिया का कोई हसद दुनिया का कोई जादू दुनिया की कोई श्यातनत अल्लाह के फ़लोक करम से नहीं रहेगी और साथ एक जुमला भी कहते रहें यह अल्लाह मैं तेरा बंदा फ़कीर आजद हकीर गरीब फ़ीर बंदात सिर्फ तेरी रहमत तेरे फ़जल और करम का मोहताज हो मुझे तेरे सिवा किसी की मदद की जरूरत नहीं है तेरे सिवा ऐसे वजीफे की जरूरत नहीं है जो चलता फिरता हो या अल्लाह ये जादू से मुझे महफूज फरमा और जहां से आ रहा है ना वहां लुटाता भी जाए क्या बात है क्या बात है साहेब से कॉल है अजमल की अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई जी कॉल ब्रेक हो गई एनी वे anyway, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और भी। ये, ये बात अच्छा। है जादू जब ये जुमला कहेंगे ना बड़ा मजेदार जुमला है अल्लाह मुझे नहीं पता कि मेरा मर्द क्या है मुझे नहीं पता कि मुझे कौन तकलीफ़ दे रहा है मुझे ये पता है कि ये तकलीफ़ है ये नहीं पता कहाँ से आ रही है तू तो सब कुछ जानता है तू तो काले पहाड़ में छुपे हुए काले कीड़े को काली रात में भी जानता है कि क्या है तो याल्ला ये जादू मर्द जहाँ से भी आ रहा है ना वहाँ लुटा दे आप यकीन करें आपके पेट में दर्द है ना छोटा सा दर्द है

वेलकम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिन्नात के शर से कैसे बचने और उसके वज़ाइफ के ऊपर हम यहाँ पर जो है आपकी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा यहाँ पर आप बात कर रहे थे सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जिन्नात आपके ख़्वाबों में भी असरअंदाज हो सकते हैं मगर इसका जवाब हम शहजाद की कॉल के बाद लेंगे अजय शहजाद असलकुम जी भाई क्या पूछना चाहेंगे तीन माह हो गए का टैक हो चुका है और दूसरा जो है नीन चार माह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ काम की वजह से अच्छा तो आपको क्या लगता है की कोई परेशानी है कोई बंदिश है कोई हाफिज साहब बात कीजिएगा जी असल में ना जो जालिज वाला अटैक होता है बस अवकात खून की गर्दश के मसायल होते हैं खून की गर्दश जिस वक्त ख़राब हो जाती है तो उस वक्त ये मसायल पैदा हो जाते हैं तो अगर रूहानी एतबार से देखना चाहे तो हमारे कुछ लोग ऐसे आए कि जिनको मेडिकली इलाज भी और इसी तरह ये रूहानी इलाज दोनों हमने किए मसनफर्त करें कि जैसे होता है ना कि कबूतर वगैरह वो खिलाया जाता है लेकिन यह कि कबूतर को अल्लाह के साथ वजायब वगैरह पढ़ के खुला दें तो मैं समझता हूँ जिस आदमी का भी फालिज का मसला है हमारे इस तरह के कई एक तजर्बाते हैं वो फालज ज़दा आदमी रोजाना की बुनियादे तीन से पाँच सपारे कुरने मजीद सीधा तलावत सुनना शुरू कर दे सिर्फ सूरत रहमान या सूरत यासिन नहीं है सूरत बाकरा सुन ले और वैसे भी आपने देखा है कि बात चैनल ऐसे हैं कि सुबह से बारह बजे तक तकरीबन तक 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 पाँच से सात सपारे वो पढ़े जाते हैं तो दो या तीन सुन सकते हैं ना जिस पे भी आप सुन सकते हैं लेकिन यह है कि कोई हर में का या हर मदनी का इमाम आदमी हो जिसकी आवाज़ में अल्लाह ने तसीर रखी हो जिसकी आवाज़ में अल्लाह ने खैर बरकत रखी हो और इसी तरह मस आप जो ना वो शेख सुदैस ले लें शेख शुरैम ले लें शेख अयूब ले लें ले, इस तरह के जो ना वो आप डाउनलोड करेंगे तो वो तलावत सुनना शुरू कर दे जिस वक़्त कुरान मजीद सुनना शुरू कर देंगे कुरान की तस्वीर गर्म भी है और कुरान की तस्वीर ठंडी भी है अच्छा। जिस वक़्त कुरान पढ़ा जाता है तो आप देखें कि बाद वह वफात जो सर्दियों में नमाज तरावी पढ़ा रहे होते हैं नमाज तरावी सर्दियों में पढ़ाने के बावजूद तो वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं उनको पसीना आ जाता है तो कुरने मजीद की जिस वक्त तासीर जाएगी तो वो जो खून की गर्दिश आगे पीछे हुई हुई ना वो सेट हो जाएगा। हमारे एक दोस्त थे उसको लकवा भी और इसी तरह जो है न वो ये फ़ाले वाली कुछ शक्ल भी हो गई तो मैंने इसी तरीके से जिस वक्त कहा तो अल्लाह के फ़ल्ल करम से चंद दिनों में वो बकायदा वापस लौटना शुरू हो गया मेरे खुद एक मामों का मसला था उनका भी फल जिस तरह के वो पूरी सैड ही तरह होता है ना बिल्कुल ख़त्म हो जा रही तो हमने मेडिकली भी उसका किया लेकिन मेडिकल में ये किया कि जो दवाइयाँ खिला रहे हैं पिला रहे हैं उनको भी साथ साथ दम करते रहो मसा ये है कि उसके ऊपर आप फातह आतल कुर्सी चारे कुल वगैरह ये पढ़ लें तो जिस वक्त ये पढ़नी शुरू कर देंगे और खसूस वो बहना सुरत फातहा सुरत आयतल कुर्सी और कुल कुल्ला ये तीन वजीफे पकड़ लें फातह है तो फातिया पूरे कुरान की सूरतों की सबसे बड़ी आदम सूरत है मिनल कुरान कुरान से और ऐतों में सबसे बड़ी एत ऐतुल कुर्सी है और फिर तुहद में सबसे बड़ी सूरत सूरत अखलास है ये तीनों को अपना विरधवीफा बना ले और बाकी नमाज जिक्र के जो सुबह शाम की रूटीन है वो मुझे करते रहे अल्लाह रहमत जो है ना दुआएं भी जरूरी है अब मैंने आपसे जो सवाल किया था मैं दोनों से इसका जवाब लेना चाहूँगी कि क्या जन्नात आपके ख्वाबों में असरअंदाज हो सकता है पहले आप फिर आप देखें ख्वाबों की जो शक्लें हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनमई फरमाई है मिनल्ला ताला की तरफ से जो अच्छा खवाब है वो अल्लाह की तरफ़ से वालमु मिन शीतान और जो बुरा खवाब है या खौफ ददा है डराने वाला है परेशान कुन है या शतानी कुछ ऐसी जो ना वो चीज़ें उसकी रहनमाई है वो शतान की तरफ से और कुरान वजीद में तीन किस्म के ख़्वाब आए हैं वहाँ भी अगर देखा जाए सूर्त यूसफ़ में अलैहिस्सलाम का ख्वाब है और इसी तरह जो है ना वो सूरत साफात वगैरह में सैदन इब्राहीमत असलाम का ख्वाब है जो बच्चे को ज़बह़ करने का अपने बेटे को ज़बाँ करने का और तीसरा जो यूसफ़लात्लाम के जो ना वो बादशाह का खवाब था कि वो गाइए हैं और इसी तरह सिट्टे हैं अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह तीन ख्वाब हैं कुर मजीद में और रसूल कायनत की भी जो ना वो रहन है रहा मसला ये कि जो शैतान बायदा आपको ख्वाब दिखाते हैं उसमें कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो आपके शैतानों की तरफ़ से हैं मसा गाय नज़र आनी भैंस नज़र आनी कोई ऊपर से बुलंदी से नीचे गिर रहा है कोई आपको पकड़ रहा है कोई आपको मार रहा है और कुछ नए काम करने लगे हैं उसके अंदर वो तकलीफ़ दे चीज़ें वो शामिल कर रहा है तो ये पक्की बात है कि ये ख्वाब वो हैं जो आपको शैतान की तरफ से आ रहे हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप सोचते हैं वही रात को ख्वाब आ जाता है वो आपकी नफसियात की तरफ से है तीनों ख्वाबों का

चिट्टे लिबास में कोई बंदा है चिट्टा चेहरा वेरा छुपाया हुआ है और वो राख कपड़े कमीज क्या पता नहीं मगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जो रंग बिरंगी कपड़ों में हाँ जी असल तो यह है कि आपको वैसे ख़्वाब में जो चीज नजर आ रही घोड़े की उससे एक बात तो आपको मैं अगर वैसे इशारा तन कहूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे लिखा कि वो ये है कि वलहादिया जबहा हा कदा ये घोड़े असल में नेकी के रस्तों को साफ करने के लिए और बुराई के रस्तों को ख़त्म करने के लिए अच्छा है। शुक्र हाँ, अच्छा शुक्र तो बुराई के तो हमें भी चाहिए कि नेकी के रस्तों पर मुस्त मुस, मुसलसल चले और बुराई के रस्तों से उन कुछ सफाई करते जाएं अपनी बोल स्पीकिंग पावर से अपनी राइटिंग पावर से जहां नजर आए उसको ख़त्म करते जाए और अच्छा, खैर की तरफ वो बंदा चलता जाए तो जिस वक्त ये ख्वाब आए शैतान की तरफ से वहां पांच से सात चीज़ें करने वाली होती है आखिरी बात जो है ना एक तो यह है कि आप करवट बदलें ख्वाब को जहल करने का तरीका बता रहा हूँ अवध बिल्ला ही मिन शे मिन शैतान अवध बिल्ला मिन शर्र शैतान व शर्र माफिया ये दुआ पढ़ के बाएं कंधे पे पहुँक ले। नंबर एक नंबर दो ये है कि आप दाई करवट में लेटे हुए हैं तो बाई करवट पे लौट आएँ और तीसरे नंबर पे ये है कि आप बेड के दाई तरफ लेटे हुए हैं तो आप बाई तरफ आ जाएँ चौथा काम यह है कि आपको ख्वाब आए तो फौरन अगर उठ के दो रकत नमाज पढ़ ले तो बहुत बेहतर है क्या होता है दो रकत नमाज़ पढ़ के अल्लाह की तोबा इस्तफ़ार कर ले या अल्लाह इस ख्वाब में जो मुझे तूने इशारा किया है कि मेरा हादिर मेरे पीछे लगा हुआ है मुझे कोई नुकसान दे रहा है तो अल्लाह फौरन से पहले आपके हाथित का कोई ना कोई काम अरे माशारी। और पांचवी बात यह है कि आप अल्लाह से तोबा इस्तफार करें और छठी बात यह है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करके कुछ सदका खैरात कर दें अगर आपके बदायफ आपके आपकी वो हरकतों सेनात जो नेक की हैं, उसमें इस तरह पावर में कुछ कमी कुताही हो भी गई तो सदके से वो पूरी हो जाएगी वो जो अल्लाह ने आपको इशारा दिया है कि आइंदा ये नुकसान हो सकता है इन कामों से अल्लाह ताला आपके आइंदा फ्यूचर को तकलीफ दे होने से बचा कॉल करेंगे असल जी वाले जी क्या पूछना चाहेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से मैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ना कुछ एक साथ से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही मैंने अपने सब टेस्ट भी करवाए हैं रिपोर्टिंग भी कराई है रिपोर्टिंग वगैरह मेरी सब क्लियर आती है लेकिन दिन ब दिन तबीयत मेरी वीक होती जा रही है पेट में अक्सर दर्द रहता है और पेट की आंतों में दर्द रहता है जी तो काफी इलाज भी करवाया लेकिन ये सर आप बताइएगा जवाब बताइएगा अजमल साहब साहेवाल से ही है। जी जी अजमल साहब ने जो सवाल किया है देखें एक ये भी तरीका है जानने के लिए कि क्या जिन्नात का असर है जादू का असर है या उसको फिजिकली को मेडिकल प्रॉब्लम है वो कॉल पे यहाँ बात की जी जी मैं बात कर रहा हूँ देखें अगर तो अगर तो टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा बार बार टेस्ट करवाए हैं और अच्छी लेबॉरटरी से करवाए उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं तो यकीन ये मोस्ट uh, प्रोबेबली उसको प्रॉब्लम रूहानी है उसे नेक साल के पास जाना चाहिए जिस तरह कारी साहब माशा ख़ुद बड़ा अच्छा इलाज करते हैं और साहिवाल में भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो इलाज करते हैं तो जो जिस बंदे की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो nil आ रही हैं मगर बंदा परेशान है उसकी तकलीफ़ें हैं बीमारियाँ हैं उससे जान भी नहीं छूट रही तो उसको नेक आ, जो है आमल के पास जाना चाहिए और उनकी नसीहत की रोशनी में उसे अमल भी करते रहना चाहिए इसी तरह जो पहले आप ख़्वाब के बारे में बता शेख साहब बता रहे थे एक तो सदका उसका हल है दूसरा हल ये है कि अगर आपको खौफनाक ख्वाब आया है तो आप किसी को मत बताएं बिल्कुल अच्छा, खौफ ना, नहीं बताना खौफ ना, मत बताएं ये मना किया गया बस नॉर्मल बता देना है नॉर्मल नंबर अच्छा, और आ, बताना भी उसको है जो मुअब्बिर हो मुबिर की जो सलाहियत रखता है हर अरे गहरे को नहीं बताना तो अब उनको करना क्या है जो उनकी जो कॉल वो मैं अर्ज कर रहा हूँ अच्छा उनको तो आमिल के पास अभी जाना चाहिए ना क्योंकि उनकी लिस्ट जो जितनी आ रही है रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर आ रही हैं मगर उनकी जिस्मानी तकलीफ खत्म नहीं हो रही आप, आप वाली बात पूरी कर दें मैं इसको बता है एक तो आपने जब बुरा ख्वाब आया जैसे तीन किस्में इन्होंने बताई बिल्कुल ठीक है एक हदीस नफ्स जो इन्होंने बताया कि इंसान के अपने ही ख्याल जो सारा दिन वो देखता है जो करता है जो सोचता है वही रात ख्वाब में आ जाते हैं उसके सब कॉन्शियस के अंदर चीजें आ रही होती हैं एक है कि जो शैतान की तरफ से आता है ख्वाब उसके तरीके इन्होंने बता दिए मगर वो बताना नहीं है जो खौफनाक ख्वाब है अगर किसी को बताना भी है तो हदीस में आता है और नबीबिन और हबीबिन अपने किसी जती करीबी दोस्त को बताएं या ताबीर के माहिर को बुरा खाब है सदका करने से जायल हो जाएगी या अपने करीबी किसी दोस्त को आप बताएंगे तो वो कम अज कम उसकी ताबीर मुनासिब करें टाइम भी साथ इसका ये है टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास ब्रेक के बाद इसका जवाब देख लीजिएगा तो आपका जो है रहन आपकी जो तबियत खराब है एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं कि जिनसे जो बचाव है उनकी शर्त से बचने के जो वजाइफ़ हैं उसके ऊपर एक कॉलर थे हमारे साथ जिन्होंने सवाल किया कि उनके ऊपर कुछ जिन्नात के असर हैं और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए सब कुछ करवा लिए कुछ भी नहीं है तो ये जवाब इलाज जो है हम यहाँ पर शबीरमान आपसे पूछना चाहेंगे जी इसके लिए दो चीज़ें हैं एक तो यह है कि तबी तौर पे भी तबी तौर पे जो रूहानी चीज़ें हैं ना आप सना मक्की का कावा लें सना मक्की का कावा बनाने का तरीका यह है कि पाव पत्ते ले लें और उसके बाद तीन से चार कप वो पानी के रख लें जिस वक्त एक कप रहा जब उसको मुँह नहार शहद डाल के पी लें पेट का दर्द सारा ख़त्म हो जाएगा ठीक है और इसी तरह साथ, साथ ये है कि शहद के ऊपर दम करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें शह से पेट की जितनी बीमारियां हैं अल्लाह की रहमत से ये खत्म हो जाएगी लेकिन इस भाई को ना तीन जगह पे मसला सर में भी है पेट में भी कमर में भी है अच्छा और तीसरा जो है ना तरीका ये है कि कलवंजी का तेल ले ले और कलवंजी के तेल पे मंजिल की आयात आयतुल कुर्सी और चारे कोल वग़ैरह वो पढ़ ले और साथ और भी कलिमात अल्लाह मिन ला तहत शरीक बिसमिल्लर दो रकत नमाज़े तौबा पढ़ने के बाद वो वजीफ़ा पढ़े और दम करके कलवंजी का तेल जहां जहाँ दर्द है वहां वहां लगवा ले लगा ले अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कलमंजी सवाए मौत के हर मर्द का इलाज है ठीक कलमंजी का तेल हो कलवंजी के दाने हो कलवंजी की कोई भी चीज हो उसको इस्तेमाल कर मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी जो ब्रेक में अभी आप हमें बता भी रहते समझा भी रहते मैं चाहूंगी सबकी रहनुमाई हो कुछ किस तरह के जो लोग हैं टाइम हमारे पास दो प्लीज वो बात बाज़ार देखे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्नात और जादू ज़्यादा मरीज हैं वो और प्यासे हैं और तलब है कि कोई इलाज हो जाए कुछ इलाज तो ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत से हो जाए तो सबसे बेहतर और कुछ लोग ऐसे हैं जो शोभदाबाद है मसलन मेरा एक दोस्त थे मेरे एक दोस्त थे उनके घर का कोई मसला इस तरह बन गया तो वो उन्होंने एक आमिल पर बुला लिया अब आमिल बनाने के बाद हुआ इस तरह के उसको नहीं पता था कि हफ्सा भी ये इलाज मुआवजा करते हैं तो इस तरीके से बैठे हुए मैं भी बैठा हुआ हमारे दोस्त भी बैठे हुए उसने इस तरीके से कहा कि देखो ये जी ए, अली भाई या फला मरीज है ये मेरा दोस्त है मेरा तल्लक वाला है मेरी मोहब्बत वाला है मेरा बड़ा करीबी है जल्दी आओ देखो चेक करो तो इस तरह करके थोड़ी देर के लिए कहने लगा जी 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 कितना दो लाख एक लाख साल वक्त कितना लगेगा एक साल दफ़ा हो जाओ गैरत मत तुमने मेरी दोस्ती का ख़्याल ही नहीं किया ये एक जिन का ग्रोह था साथ हमें मुखातव कर मेरा एक मौकिल का ग्रोह था वक्त भी ज़्यादा ले रहा है पैसा भी ज़्यादा दे दूसरे आओ भाई फिर इस तरह जी 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 एक लाख सात महीने खुदा का खौफ खाओ मुझे तुमने जलील कर दिया मैंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं ये मेरे तलक वाले हैं मैं इनके साथ मोहब्बत रखता हूँ तुम अपनी सिर्फ मजदूरी पक्की करने के लिए मुझे जलील करा रहे दफा हो जाओ दफा हो जाओ इस तरह करके सच ये हकीकत वाक्य तीसरा जी 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 अच्छा इसका मतलब यह है कि ये सत्तर हज़ार से कम हो ही नहीं सकता यार कुछ करो यार और वक्त कितना है तीन महीने तीन महीने फिर मैं ओके कर दूँ फिर बात पक्की होनी चाहिए सत्तर हज़ार और तीन महीने कहने गे हाफ साहब इससे तो कम नहीं है ये तीन ग्रोह थे एक ग्रोह दो लाख ले रहा है एक लाख ले रहा है और एक साठ हजार तो हम इनसे मैंने ओके कर दिया इन इलाज शुरू हो गया यानी कोई जिन नहीं है कोई कुछ नहीं है ड्रामेबाजी है आप उस गरीब आदमी का जो बीमार है जो प्यासा है जो मर्द में एक एक दिन और एक एक, एक रात सालों की तरह लंबी काट रहा है आपकी आपको वो मसीहा समझ के उसने घर बुलाया और आप दुनिया के सबसे बड़े डाकू और सबसे बड़े जो है ना वो लुटेरे बने हुए हैं है। अल्लाह से डरो लोगों के इलाज के लिए अल्लाह से भी डरना चाहिए साथ अपने तलक के का भी ख्याल चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सवाल तो मेरे दिमाग में इतने सारे थे कि मैं <laughs> जो हमजाद है ना टाइम खत्म हो गया हम बिल्कुल मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपको दोनों को मदू करूंगी ताकि इसको मज़ीद हम और आगे एलबरेट कर सकें क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था आई होप आप लोगों को बहुत रहनुमाई मिली होगी आज के शो से जो जो वज़ाइफ बताएं वो आप पढ़ा करें और मैं आपको बस यही बात बोलूँगी कि इनके शर्त से भी बचने की दुआ मांगा करें आपसे मुलाकात करती हूँ मंडे को खुदा हाफ